और टेक्निकली होगा फर्क, लेकिन अंडर पावर तो नहीं है जी बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है क्या कि पुराने वाली और नई वाली क्रेटा का जो पैडल है क्लच वगैरह के, आप जब भी आपको ये देखना हो ना कि टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, आप अपना डोर खोलो, आजकल अवेयरनेस है, सब कुछ है, तो पीडीआई का बेनिफिट क्या है? कंपनी का प्रचार, आप लोगों का फायदा। अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी रिव्यू हो तो भाई कॉन्टेक्ट करो मिस्टर तोमर व्लॉग्स। तो भाई आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, राजी खुशी हो गए एकदम। भाई मेरे पीछे देखो, आज फिर मेरे पीछे ऑल न्यू क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट। भाई मेरी नहीं है, एसएक्स नहीं है, पर देखने से पता नहीं चलेगा। ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी इस टाइम सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबसे ज़्यादा, और लोग बाग तो ये तक कह रहे हैं कि ये ही क्रेटा का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कैमरामैन से कहूँगा, एक बार चारों तरफ घूमते घूमते बात करते हैं। तो देखो भाई, जो मेरे पास गाड़ी है ना, ये गाड़ी है SO, जी हाँ SO। आज हम आपके सामने लेके आए ऑल न्यू क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट SO। ये भी है पेट्रोल एंड इंजन के साथ में। तो इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाए, आज बुलाते हैं गाड़ी के ओनर को। गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं मिस्टर विकास जी। विकास जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई, तुम साहब आप बताओ क्या हाल? बहुत बढ़िया जी। भाई ये विकास भाई है हमारी गाड़ी के ओनर। तो विकास भाई, इससे पहले हम गाड़ी की बात करें जी भाई, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आप करते क्या हो? भाई स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन चल रही है अभी। तो भाई चलो, ये इस टाइम पे मेन काम है, चलते रहना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, ये आपकी गाड़ी कौन सी है? और हाँ, ये मत बताना कितने की है, ये भाई वीडियो के सबसे लास्ट में बताएंगे, ये तो मेन बात है। कौन सा वेरिएंट है ये? भाई ये है SX ऑप्शनल पेट्रोल। भाई ये है S ऑप्शनल पेट्रोल। अरे सॉरी, SX ऑप्शनल गलती से निकल गया, फिर तो टॉप मॉडल हो जाएगी। S ऑप्शनल, तो भाई ये है S ऑप्शनल, तो कोई बात नहीं, S ऑप्शनल हमारे पास में पेट्रोल एन इंजन के साथ में जी। तो भाई पेट्रोल एन इंजन के साथ में प्राइस रेंज का ही सारा खेल है, तो वो सबसे लास्ट में बताएंगे। अब सबसे पहले एक बात बताओ यार विकास भाई, हाँ भाई, ये गाड़ी ही क्यों दिमाग में आई, और इससे पहले तुम कौन सी गाड़ी चला रहे थे? भाई वैसे तो मैं चला रहा था डीजल, मेरी स्विफ्ट डिजायर थी। ठीक है। और मैंने वैसे देखा क्रेटा के सारे वेरिएंट्स, काफी वेरिएंट्स आए थे, तो लेकिन ये एक नया वेरिएंट आया था, ये जो अभी आया है, ये पहले नहीं आया था। ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन करा, मैं लेना चाह रहा था SX या SX Tech, लेकिन जैसे मैंने कंपैरिजन करा ना भाई, कुछ है ही नहीं इसमें कमी। अच्छा। हाँ, मुझे बेस्ट लगी, कुछ कमी ही नहीं लगी मुझे इसमें। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा आपको? हाँ। तो भाई जैसा कि इन्होंने बताया, इनके पास पहले डीजल इंजन था। तो देखो अक्सर क्या है, दिल्ली में लोग डीजल से पेट्रोल में क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मेन जो कारण है ना वो है GREP 3, GREP 4, जो आपके पोल्यूशन के नॉर्म्स है ना, उसकी वजह से। भाई है जज्जर से, हरियाणा से, तो भाई से पूछते हैं वो डीजल से पेट्रोल में क्यों आए। तो भाई आपने पेट्रोल इंजन क्यों लिया, जबकि डीजल तो, और ऊपर से स्विफ्ट डिजायर भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छा पिकअप है उसका डीजल में, फिर इस पे क्यों आए आप? पिकअप तो अच्छा भाई, लेकिन एक तो मारुति थी। हाँ। दिक्कत क्या थी भाई, जैसे मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, तो कोई ऐसे सटके भी खड़ा हो जाता था तो डेंट पड़ जाता था। कंपनी चेंज करने का तो मेरा ये मेन रीजन बिल्कुल था। भाई बिल्कुल। और पेट्रोल में क्यों आया? पेट्रोल में इसलिए आया भाई क्योंकि इसके डीजल का वेरिएंट और पेट्रोल के वेरिएंट में 1,60,000 से ऊपर का डिफरेंस था। ठीक है। तो आपकी रनिंग कम है? और मेरी रनिंग कम थी। अच्छा। तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा कि एक थोड़ा बहुत कि भाई मेरी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी चलते चलते, है ना। हाँ। अच्छा एक बात, ये तो चलो ठीक है, ये इनका बढ़िया डिसीजन था लेने का। अब एक मेन चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कि अक्सर लोगों को फील हो रही है कि भाई जो डीजल से पेट्रोल आ रहा है, और वही पेट्रोल एन ए और ऊपर से क्रेटा, भाई इतनी भारी गाड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ आपको अंडर पावर फील हो रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि चलाने में मज़ा नहीं आ रहा? ताकि देखो लोग ना, बहुत लोगों की यही वो है कि यार हम पेट्रोल एन ए ले ले, कभी हमें अंडर पावर फील तो नहीं होगी, कभी ऐसा तो नहीं चलाते वे हमें मजा ना आए, तो वो चीज़ बताओ आप। भाई इसका मेरे पास एक बेस्ट रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको कि देखो मैंने पेट्रोल चला ली, डीजल तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो जैसे मैंने पेट्रोल डीजल से मैं काफ़ी हट चुका, मैं ये चलाऊंगा, जैसे अभी मैं चला के लाया, तो पहले मैंने दो इसमें ट्रिप करे फैमिली के साथ, तो इतना पता नहीं चला, अब मैं इसको बिल्कुल रगड़ के ले आया हूँ, तो लेकिन मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। वो जाता ना देख के वीडियो वगैरह की, डीजल का पेट्रोल का, और टेक्निकली होगा फर्क, लेकिन अंडर पावर तो नहीं है भाई, ये पॉइंट है, अंडर पावर नहीं है, लेकिन हाँ डीजल में वो पेपिनेस आती है, देखो वो पेट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो सबको पता है, क्वाइट ऑब्वियस है, लेकिन डिजायर थी मेरी वो भाई 160, तो 140 तो मैं उसको बिल्कुल नीचे रखता ही नहीं था, 160 तो तुरंत चढ़ जाती थी, तो भाई उसका लेकिन माइलेज भी बहुत बढ़िया था। अच्छा एक बात बताओ, अभी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है आपको? भाई अभी इतनी चलाई नहीं है, शोरूम से जिस दिन लगा उस दिन तो 7.5 दिखा रही थी। अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैंने चलाई है, तो 14-15 तक
पहुंची है। चलो आपका डाउट दूर कर देता हूँ। देखो भाई मेन क्या है, अब अगर हम इस गाड़ी की बात करें ना, देखो इस गाड़ी में अभी दो तीन दिक्कतें आपको लगेगी। पहली थोड़ी जो अंडर पावर फील होगी वो कमी भी थोड़े टाइम बाद आप दूर हो जाएगी, जब इसकी पहली सर्विस होगी ना। जैसे ये गाड़ी 3000 से ऊपर जाएगी उसके बाद गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, जो क्लच का ब्रेक का और एक्सेलेटर का पैडल है ना वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मेरे को बताना फील हुई कि नहीं हुई। हाँ। इससे पहले वाली क्रेटा चलाई है आपने फेसलिफ्ट पेट्रोल? पेट्रोल हाँ मैंने चला रखी है। चलाई है? हाँ। अच्छा मतलब बिल्कुल वो एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं, वैसे ही बाइक। हाँ, चलाई है ना? हाँ, बिल्कुल चलाई। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा, तो डेली वाली बात नहीं कर रहा। हाँ, तो एक बात बताओ मतलब एक बिल्कुल सोच समझ के जी, बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है क्या कि पुरानी वाली और नई वाली क्रेटा का जो पैडल है क्लच वगैरह के क्या सेम है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कुछ है आपकी ऐसी फील? हाँ मैंने स्टार्टिंग में चलाई इसका, थोड़ा मेरे को क्लच पैडल थोड़ा हार्ड लगा। हार्ड लगा थोड़ा सा? थोड़ा हैवी लगा। हार्ड तो नहीं है, खैर हैवी थोड़ा भारी भारी सा फील होता है। लेकिन अब मैं चला के लेके आया, मैं फ्रीली चला के लेके आया, पता नहीं या लगा लो फैमिली के साथ बिल्कुल प्यार से चला रहा था। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि बाद में हो जाएगा ठीक, अभी भाई ये जो दिक्कतें है ना क्लच वाली सारी, ये सब दूर हो जाएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना गाड़ी के साथ में, और हाँ अगर आपकी रनिंग कम है तभी पेट्रोल लेना, वरना भाई पेट्रोल देखो आपको पता ही है ऊपर से क्रेटा है भाई, भारी गाड़ी है, एवरेज तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब हम SO की बात करते हैं कि भाई SO। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा इसी बीच में मैं आपसे, कि जैसे आपने गाड़ी जो खरीदी है तो वहाँ पे आपको डीलरशिप पे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने दिन की बुकिंग आपकी करानी पड़ेगी, कितने दिन में आपको गाड़ी मिलेगी? भाई मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैं गया था 14 तारीख को वैसे गाड़ी देखने, तो गाड़ी देखने मैंने ये वेरिएंट उनके पास खड़ा था, तो उन्होंने मैंने देखा ऑल ब्लैक जैसे जो फीचर है हम बाद में बात करेंगे, मुझे गाड़ी पसंद आ गई, मैंने बुक करा दी थी 14 तारीख को। उन्होंने बोला था कि 28 को आपको गाड़ी मिल जाएगी। उन्होंने बोला था मंथ के एंड में या पहले भी दे देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। बिल्कुल, लेकिन 28 को गाड़ी उन्होंने मेरे को दे दी, यानी वही मतलब 15-20 दिन के अंदर आपको गाड़ी उन्होंने दे दी, के बीच वही 2 हफ्ते 15-20 दिन के अंदर गाड़ी आपको दे दी। अच्छा कोई ऐसी चीज आप शेयर करना चाहो गाड़ी खरीदते टाइम आपसे चूक हुई हो, या गाड़ी में कोई परेशानी आ रही हो, या उनके डीलरशिप की तरफ से कोई दिक्कत आई हो, लोगों को आप कुछ बताना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो कोई? हाँ एक छोटी ही दिक्कत है, वैसे डीलरशिप से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। लेकिन हाँ उन्होंने एक जो चीज़ करनी चाहिए थी PDI में, वो कि जो टायर प्रेशर है वो ऑप्टिमम देना था, जो भी स्टैंडर्ड होता 33 या 35 PSI, लेकिन इसमें जो टायर प्रेशर था भाई वो था 47-50 के आसपास। भाई साहब मुझे लगा कि सस्पेंशन इसके तो यार सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इसके स्टीफ ज्यादा लग रहे हैं। तो मैंने चला ली, इतना ध्यान मैंने भी नहीं दिया काफी वो उसमें MID में, लेकिन फिर मैंने देखा 47 या 50 के आसपास थी, फिर मैंने आवाज की थोड़ी कम। भाई आप सबको और विकास भाई को मैं भी एक चीज बताना चाहता हूँ, पता नहीं ये ऐसा क्यों है भाई, एक बात देखो, जब यहाँ पे एक आप मेरे साथ में आओ, आप जब भी आपको ये देखना हो ना कि टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, आप अपना डोर खोलो, और डोर खोलोगे ना तो यहाँ पे आप देखो आपको साफ साफ सारे इंडिकेशन मिलेगी। ये इंडिकेटर जो है ना ये गाड़ी की है कि कितने बंदे अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो तो कितनी PSI की पावर वो एयर इसके अंदर होनी चाहिए। तो भाई सब कुछ इतनी आजकल अवेयरनेस है, सब कुछ है, तो PDI का बेनिफिट क्या है? ये जो दिक्कत है सेम मेरे साथ भी हुई थी, कंपनी वालों ने मेरे को 50-50 की हवा 45-45 भर के दी थी, फिर फायदा क्या PDI का? आप यू थोड़ा टायर थोड़े फाड़ देना यार। हाँ भाई जो स्टैंडर्ड है वो अपना भर के दो, तो PDI में आप भी इस चीज़ का फोकस रखना। बाकी आप क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ इससे दिक्कत हो जाती है ना भाई, जैसे थोड़ा रफ अगर कोई चला रहा है टायर भी फट सकता है, गाड़ी उछलेगी, उछलेगी ज्यादा गाड़ी, हाँ गाड़ी उछलेगी, प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे नॉर्मल अपना बिल्कुल बिल्कुल भाई ये चीज है, थोड़ा ध्यान रखे। हाँ ये तो है। अब एक काम करते हैं, अब आपको मेन जो चीज है ना वो दिखाते हैं, आओ गाड़ी दिखाते हैं बात करते करते। देखो ये SO है, और SO में आपको देखो आपको सामने से कोई फर्क नहीं नजर आएगा, पूरी कनेक्टेड आपको DRL देखने को मिल जाती है, उसके साथ में आपके वही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं, और हाँ मेन चीज़ भाई आपको अलॉय मिल जाते हैं। और देखो कोई कोई लोग बिल्कुल ऐसा क्रेज़ होता है ना लोगों के अंदर कि भाई मेरे को पूरा ब्लैक चाहिए, अलॉय भी ब्लैक, गाड़ी ब्लैक, बिल्कुल उसके लिए भाई बेस्ट है ये, बिल्कुल ब्लैक अलॉय दे रखे, बढ़िया लुक आ रहा है। और अगर टायर की प्रोफाइल की बात करूँ सेम है, 215-50-17 की प्रोफाइल आ जाती है। एक और अब अगर हम फर्क की बात करें इसमें और SX में, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका क्रोम भी नहीं मिलता, वहीं SX में आपको क्रोम मिल जाता है। उसके अलावा अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाहर तो कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं मिलता है, और गाड़ी के अंदर चलेंगे, गाड़ी को चला चलाते बात करेंगे, फिर आपको थोड़े जो छोटे मोटे फ़र्क है वो भी समझाएंगे, साथ के साथ में आपको इसके पैसे बताएंगे कितनी कीमत है, जो मेन पॉइंट है। चलो तो भाई अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी क्यों है,
तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको भाई, ये गाड़ी की कुछ ऐसी चाबी मिल जाती है, इसके अंदर आपको गाड़ी का स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिल जाता, जो होल्ड आपका बटन आता ना वो नहीं मिलता। बाकी अब गाड़ी पे आ जाते हैं, देखो भाई ये पूरा कंसोल है। अब हम चलते चलते ही बात करेंगे गाड़ी में, अगर हम मेन फर्क की बात करें कि भाई पहले तो आप देख लो गाड़ी में है क्या। गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है, बाहर आपको अलॉय मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है 8 इंची की, और स्टेयरिंग के अंदर पूरे कंसोल मिल जाते हैं, ठीक है। अब इवन क्रूज तक आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फर्क की, फर्क क्या है भाई। फर्क देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ना तो फॉलो माई व्हीकल का जो ऑप्शन आता है, एक तो वो नहीं मिलता कि जिसके अंदर गाड़ी चलती हुई कैमरा आपको दिख जाता है, और एक चीज़ और, इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर आपको कैमरा कंपनी से फिटेड मिलता है, इवन एडेप्टिव गाइडलाइन के साथ में। ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लू लिंक नहीं मिलता, यहीं पे आपको जो RSA वगैरह के ऑप्शन होते हैं वो नहीं मिलता, ये बिल्कुल बेसिक सा देखने को मिल जाता है। वहीं SX में इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं, जिस गाड़ी में ब्लू लिंक नहीं है उस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वायरलेस है। इस गाड़ी के अंदर से ही आपका जो वायरलेस है ना वो लास्ट इसी गाड़ी में आता है, इसके बाद वायर्ड ही आता है जितने भी 3 ऊपर के टॉप मॉडल है। कि उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट नहीं मिलती है, और हाँ ये जो टच स्क्रीन है आपको 8 इंची की मिलती है। वहीं आप उस दूसरी में देखोगे तो आपको एक इसमें बेसिक सी मिल रही है, वहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिल जाती है, यहाँ पे आपको कोई बटन देखने को मिलता, बटन आपको यहाँ पे इस वाले पैनल में मिलते हैं। उसके अलावा आपका ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है, और यहाँ पे आपको इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के और ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन दे रखे हैं आप राइट साइड में अगर देखोगे मेरे यहाँ पे। और बाकी जो आपके ORVM है, एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है, बाकी मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आई गई है। अगर मैं मोटा माटी फ़र्क की बात करूँ ना तो 5-6 ही कुछ ऐसे फ़र्क है जो इसमें और उसमें SX में देखने को मिल जाते हैं। पहला वायरलेस चार्जिंग, दूसरा फॉलो माई व्हीकल का, तीसरा आपका आ जाता है इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का, चौथा ब्लू लिंक का, और उसके अलावा पांचवा आपका ये मिरर आप देख रहे हो उसमें RSA वगैरह नहीं मिलता आपको देखने को, छठा आपका आ जाता है कि जो आपके डोर हैंडल है वो उसमें क्रोम है, इसमें बॉडी कलर के आते हैं, और जो अलॉय है इसमें बॉडी कलर के आता है, उसमें क्रोम भी मिक्स आता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे इसमें फ़र्क है। और वहीं वो गाड़ी अगर क्रेटा SX की मैं बात करूँ, मेरे को पड़ी थी 1785 की भाई, आपको S ऑप्शन कितने की पड़ी है भाई? 16.5 भाई, देख रहे हो 16.5 लाख रुपये पड़ी है, मेरे को 1785, कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपये का फर्क है गाड़ी में। और हाँ, पीछे आप देख सकते हो सनब्लाइंड भी आ जाते हैं कंपनी फिटेड, जैसे कि SX में दिए गए हैं। वही आपको सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार मेन जो बंदे को रिक्वायर्ड है विकास भाई, वो सब इस गाड़ी में है, सब है भाई, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता भाई SX की रिक्वायरमेंट है भाई। मैं पर्सनली आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर उस टाइम पे मेरे पास भी SO का ऑप्शन होता भाई, मैं बिल्कुल नहीं लेता SX, कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मैं बताऊं, एक गाड़ी में जितने फीचर होने चाहिए ना, सब है भाई इस गाड़ी के अंदर, सब बिल्कुल सब है। लुक देख लो आप, बाहर से देख लो, अंदर से देख लो भाई, वैल्यू फॉर मनी यही है। जितने आप SX में दे रहे हो ना, उससे बढ़िया इतने का तेल फूक लो अगली में, गलत तो नहीं विकास भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो जो मैं आपको कहता ना फर्क, ये है वो मेन फर्क कि इसका प्राइस, अपने प्राइस की वजह से ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है कि इसकी कीमत जो है वो इतनी कम है। अच्छा, एक फर्क आपको और मिलता है, इसके अंदर जो सीट है ना पूरी प्रॉपर फैब्रिक है, वहीं SX के अंदर जो है ना सेमी लेदरेट आ जाती है, पर बेवकूफ़ी है भाई, सेमी लेदरेट पीछे की तरफ लेदर है, आगे की तरफ फैब्रिक ही है, मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है, बेवकूफ़ बोलते हैं उसको, बेवकूफ़ बनाना हुंडई ने वहाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है। और देखो, पहले ये कह रहे थे कि SX वो मॉडल है जिससे सबवूफर फिटिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन SO में भी इन्होंने फिटिंग का ऑप्शन दे रखा है, आप चाहो तो बाहर से सब वूफर लगवा सकते हो, ताकि इससे क्या है आपकी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो और इनहेंस हो जाएगा। तो भाई मेरे ख्याल से भाई, मेरा तो अगर मेरे को कोई आज ये कहे ना कि भाई मेरे पास अगर 18 लाख रुपए पड़े हैं, 17 लाख रुपए पड़े हैं, तो कोई कहे क्या लेना है भाई, मैं तो कहूँगा SO लो, SX भी मत लो, और कोई लॉजिक नहीं बनता। क्या दो चार चीज़ें, वायरलेस चार्जिंग वगैरह, अरे भाई क्या जरूरत है, वायर चार्जर करो ना, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी तो मिल रहा है फिर आपको, और ब्लू लिंक भाई ठीक है, मान गया ब्लू लिंक है अच्छा, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है जिसके लिए 1 लाख रुपए दिए जाए। मैं ब्लू लिंक का कितना इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि भाई मेरे को गाड़ी की लोकेशन देखनी है, या फिर मेरे को घर बैठे भाई, मैं कहीं बैठा हूँ, गाड़ी धूप में खड़ी है, मेरे को स्टार्ट करना है, बस ये दो चार चीज़ें फ़र्क है, उसके अलावा कोई इतना मेजर फर्क नहीं है। और जो ब्लू लिंक का बेस्ट बेनिफिट है वो SXO में आता है, जिसमें एडास 360 कैमरा आते हैं ना, ताकि वो गाड़ी की फोटो वोटो सब भेज देता है आपको। बाकी मेरे ख्याल से यार सारा कुछ हमने कवर कर ही लिया है, और इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए, और आज की इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपके अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।